आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महज कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि वो एहसास है जिसका अर्थ है कि जो सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। माता शब्द स्त्री की परिपूर्णता को दर्शाती है, एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि माता ही प्रथम गुरु है। माता ही मानव जीवन की सबसे महान उपाधि है, जिसकी शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है। हमारे देश में महिलाओं को सशक्त करने की कवायद लगातार जारी है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वाति सिंह रही। इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में महिला ग्राम प्रधान, महिला खिलाड़ी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस विशाल कार्यक्रम में महिला कल्याण मंत्री द्वारा 15,000 से ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में टाटा ट्रस्ट की ओर से सीता सिंह और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों द्वारा उनके संस्थानों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए नाबार्ड उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक दुष्यंत सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि बहुत कम प्रतिनिधि होते हैं जो अन्य संस्थाओं से संपर्क कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए जानना और उनके माध्यम से कार्य कराने के लिए उतावले रहते हैं। ऐसी ही एक जन प्रतिनिधि हैं स्वाति सिंह, जिन्होंने खुद संपर्क कर हमसे अपने क्षेत्र कार्य करने का आग्रह किया। इसी कारण नाबार्ड द्वारा सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में सैनिटरी पैड महिलाओं से बनवाने और उसकी बिक्री की व्यवस्था की गई। इस मातृ शक्ति सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने कहा, मैं भी एक नारी हूँ, इस कारण हर नारी का दर्द समझती हूँ। यही कारण है कि हर एक माता, बहन व बेटी से मिलकर उनका दुख दर्द बांटती हूँ। मेरा सपना है कि हर नारी स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, इसका हर संभव मैं प्रयास करती हूँ। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नारी की पीड़ा को समझते हैं। इस दौरान हमारी संवाददाता ने महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह से खास बातचीत की। इस बार हम लोग सरोनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर यहां की मौजूदा विधायक स्वाति सिंह हमारे साथ मौजूद है। यहां पे मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ हो रहा है सीधे हम सीधे बात करेंगे स्वाति सिंह से। तो आज मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें क्या चीज़ रहेगी और किस तरीके से कार्यक्रम ये मातृशक्ति सम्मेलन है। यहाँ पर सरोजनी नगर की सभी मातृशक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित है। लगभग 12,000 से 15,000 महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो उनको बताने के विषय में, उनको अवेयर करने के विषय में। और ये मातृशक्ति हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में भी है। आप देख सकते हैं कि जब पहले उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों की सरकारें थीं तो इतनी मातृशक्ति कभी अपने घरों से नहीं निकलती थी। ये योगी जी की आज सरकार है यहाँ पर, मोदी और योगी की ऐसी नीतियाँ हैं जो महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती हैं। आज इतनी मातृशक्ति यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इसमें और कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है, आप कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं?
ऐलान करने के लिए कोई स्कोप है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक योजनाओं से महिलाओं को जोड़ दिया है, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में भी घर की मुखिया महिला को माना जा रहा है। एक एक योजना है, हम कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, इतनी सारी योजनाएं बेटियों के लिए है और मातृशक्ति के लिए, बचा कहाँ कुछ। बाकी अभी अपने जैसे वो महिलाओं की शादी की उम्र बढ़वा के 18 से 21 कर दी है, तो आज उसके लिए भी आप कुछ बोलेंगे यहाँ पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस ओर विचार किया कि हम अपनी बेटियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दें शादी की, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी सरकार ये विश्वास इस बात में विश्वास रखती है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है और ये जेंडर इक्वेलिटी का बहुत 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 बड़ा उदाहरण है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। वहीं इसी बीच प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वाति सिंह इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते वक्त भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मैं एक परिवार की माता बहन व बेटियों से मिलना चाहती थी, यह कोई कार्यक्रम नहीं है, यह सिर्फ मिलन का तरीका है, इसी बहाने आपसे संवाद कर रही हूँ। ये मेरा सपना है कि एक एक मातृशक्ति को ऐसा बना दिया जाए कि वह न्यूनतम आय कर सके, यह सपना हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए भी काम किया गया है। आज आप सुरक्षित हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने कहा कि वह समय था जब बेटियों के जन्म पर लोग दुखी हो जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुमंगला योजना लाकर उस दर्द को दूर कर दिया। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, वह आपको सशक्त बनाने के लिए चल रही हैं। उन्होंने कहा, हमने पूरी कोशिश की कि आपके साथ हाथ मिलाकर लगातार चले, माँ बेटी की तरह आपके साथ में खड़ी रहूंगी। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के कारण ही मैं यहाँ खड़ी हूँ, बिना संगठन के कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक बेटी जैसे अपने माँ के लिए खड़ी रहती है, वैसे ही मैं हमेशा आपके सामने आपके साथ खड़ी रहूंगी। यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा, आप सभी इसके आधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम मात्र शक्ति ही करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि नारी ही आदि शक्ति है और सब समर्थ है। समाज भले ही समझता रहे कि गांव की महिलाएं केवल गृहिणी ही बन सकती हैं, लेकिन आज शहर की महिलाओं की तरह ही गांव की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह के सहयोग से इतिहास बनाने में लग गई हैं और सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं को लेकर बनाई गई हैं, जिससे महिलाएं भी देश के विकास में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और प्रदेश सरकार की महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह भी महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने में पूरी जद्दोजहद से लगी हुई है। चाहे सरकारी योजनाएं हो या आम जनता का दुख दर्द, वो हर वक्त जनता के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर जनता ने उनको इस लायक बनाया है कि वो लोगों की सेवा कर सके, तो वो अपने इस सेवा धर्म को हमेशा निभाती आएंगी और आगे भी इसी प्रकार से निभाएंगी और महिलाओं के उत्थान को लेकर जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसको पूरा करके ही दम लेंगी। इस दौरान हमारी संवाददाता ने वहां मौजूद महिलाओं और महिला खिलाड़ियों से भी बातचीत की। इस वक्त हम लोग सरोनी नगर विधानसभा क्षेत्र पर हैं, जहां पर मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन मौजूदा विधायक स्वाति सिंह के द्वारा किया गया है। उन्होंने ही संबोधन किया है। यहां पे तकरीबन 15,000 महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, जहां पर इस आयोजन में 15,000 महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर कई स्पोर्ट्स की लड़कियों का सम्मान किया गया है, यहां पे सभी महिलाओं का सम्मान किया गया है, उनको
पुरस्कार वितरण किया गया है। यहाँ पर मौजूद महिलाओं से हम जानना चाहेंगे कि उनको किस तरीके का कैसा लग रहा है इस सम्मेलन में आने के बाद में। तो आइए सीधे बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से कि वो क्या नजरिया रखती हैं स्वाति सिंह के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम सिंह है जी। आज यहाँ पे मातृ शक्ति सम्मेलन हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? हम इसमें यही कहेंगे कि हमारी महिलाएं यहाँ आकर बहुत खुश हैं और हमारी बीजेपी सरकार से हम बहुत खुश हैं जी। उन्होंने हमें लॉकडाउन में जीना सिखाया, हमारी मदद भी की जी। तो किस तरीके से आपका सहयोग कैसे किया? हमारा सहयोग एक तो पहले बात ये किया, जनधन में 500 रुपया भेजा, दूसरा हमें जो जीने की जीविका के लिए राशन दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है। रेनू ये बताइए, आज जो ये मातृ शक्ति सम्मेलन किया गया है उसमें आप क्या कहेंगे? मैं यही जो सम्मेलन से वजह से आए हैं सब, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा सा है जी। इसी के साथ में हम लोग भी चल रहे हैं जी। अब ये विधायक हैं यहाँ की, मौजूदा विधायक, इनसे आपको क्या उम्मीदें हैं आने वाले 2022 को लेके? अरे बस यही है, 2000 उम्मीद आने वाली है, बस यही बच्चे पढ़े लिखे सब बड़े हो जाए जी। अब कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे कि वो लोग मंत्री जी के लिए इस मातृ शक्ति सम्मेलन के लिए क्या कहेंगी। क्या नाम है आपका? अंकिता देवी। अंकिता देवी जी, अंकिता देवी ये बताइए, आज जो मातृ शक्ति सम्मेलन इस तरीके से हुआ है इसमें आप क्या कहेंगी? दीदी हमारे तरफ से तो अच्छा ही हुआ है। अच्छा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस सम्मेलन से क्या आपको क्या लगता है, क्या फायदा होगा ऐसे सम्मेलन से? दीदी जुड़े हैं तो कुछ तो फायदा होगा ही होगा। अच्छा, कि एक वुमेन पावर जो है वो मजबूत होगी ऐसा लगता है जी? दीदी हमारे विधानसभा की जो महिला है तो महिलाओं से जुड़ी है, तो हमारा लोगों का फायदा तो होगा। ऐसा हमारे ग्राम सभा में किसी महिला ने चाहा नहीं महिलाओं के लिए, जो हमारी स्वाति दीदी ने चाहा महिलाओं के लिए। क्या क्या चाहा है आपकी स्वाति दीदी? हमारी स्वाति दीदी ने ग्राम संगठन से हमारे समूह में काफी जैसे दाल वगैरह तेल वगैरह ये सहायता कर रही है, जैसे पाइट की साइड चल रही तो हमारी स्वाति सिंह दीदी ने किया है, अभी तो किसी महिलाओं ने आज तक नहीं किया है। छात्राओं का सम्मानित किया है जो खेल से संबंधित है, जिनका खेल रत्न प्राप्त है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं जो खेल स्पोर्ट्स कोटे से हैं, जहां पर उनको सम्मानित किया गया है। हमारे साथ अभी कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनको सम्मानित किया गया, उनको कैसा लग रहा है? सीधे आज हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिल्पी यादव है। शिल्पी, आपने अभी आज आपको यहाँ पे मातृ शक्ति सम्मेलन पहले इसके लिए बताइए कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे लड़कियों को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कमी होता है जब लड़कियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था कि हम खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया बुलाकर जी। आपने क्या आपने कहीं अवार्ड शायद जीते हैं, तो वो आप रणजी खेलते हैं? हमें यूपी टीम से रणजी ट्रॉफी खेल रही हूँ, 4 साल से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यूपी टीम को जी। और आपकी कितनी टीम में कितने और कौन? और हमारे साथ सब अलग अलग गेम के प्लेयर हैं, ये हैंडबॉल के प्लेयर हैं, बॉक्सिंग के हैं, हॉकी के हैं, सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे अलग अलग के लोगों ने, जिन्होंने अपने गेम में अच्छा स्थान प्राप्त किया, वही सभी लोग हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम? मेरा नाम कविता चौहान है और मैं यूपी टीम से खेल रही हूँ, हैंडबॉल नेशनल प्लेयर हूँ मैम। सम्मानित किया गया, आपको कैसा लग रहा है? मैम इसको तो मैं बता नहीं सकती, जब मैम लोग को कॉल आई थी इनविटेशन के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैम ने हम लोगों को सम्मानित करने के लिए हम लोग को बुलाया। हालांकि मतलब यूपी में इतना नहीं किया जाता है, बट मैम ने जितना सपोर्ट किया स्पोर्ट्स को वो देखने वाला है और लड़कियों को जागरूक होने वाला है कि हर लड़की आगे बढ़े और गेम खेले बच्चे भी। कार्यक्रम के अंत में हमारे संवाददाता से बात करते हुए राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि वो हमेशा से महिलाओं के लिए काम करती आई हैं और आगे भी इसी प्रकार से वे कार्य करती रहेंगी। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आज मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के मंत्री स्वाति सिंह जी, क्या कहना है सम्मेलन के बारे में? ये मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो उन लोगों का आशीर्वाद रहा जिस तरह की योजनाएं वो मातृशक्ति के लिए चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार बनाती आई है, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में आप उन्हीं योजनाओं की वजह से जो महिला सशक्तिकरण हुआ है उसी को आज हम उसी की छवि हम यहाँ पर देख रहे थे, तो ये देख कर अपने आप में अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ और जब मैं देखती हूँ कि महिलाएं अपने घरों से निकलकर एक सशक्त महिला के रूप में बैठी हुई हैं तो बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं कहना है आपने महिलाओं पे बहुत काम किया, किस तरह काम किए गए आपके द्वारा?
मेरे क्षेत्र में क्योंकि देहात एरिया भी है, रूरल एरिया भी है, तो वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की बहुत महिलाएं, यहाँ जितनी महिलाएं हैं ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके लिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत करवाए हैं। और मेरी एक इच्छा है, मेरा एक सपना है कि मेरे विधानसभा की एक एक महिला अपने घरों में भी अपने गाँव में बैठ कर वो लगभग 3 से 4 हज़ार या 6 हज़ार रुपये महीना वो ज़रूर कमाए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। क्योंकि अगर हम सशक्त बनाने की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि हम अपने घरों की महिलाओं को, माताओं को, हम उन्हें आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के तमाम तरह की योजनाएं आ रही हैं। अभी अभी मिनी सचिवालय की व्यवस्था भी की गई है, मिनी सचिवालय उसका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्या मानते हैं सचिवालय के बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा इस और बहुत बढ़ाया गया एक अच्छा कदम है, इसलिए कि जब महिलाओं को कोई ऐसी समस्याएं होती थी तो शायद वो तहसील तक या ब्लॉक तक नहीं जाती थी। एक मिनी सचिवालय के रूप में उनके गांव में ही लेखपाल बैठेगा, उनके गांव में ही सभी जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी वगैरह, वो वहां बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अपने समस्याओं का निदान उसी स्तर पर कर लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं कि हमें आप शहर तक लेकर चलिए, कलेक्ट्रेट ले चलिए या तहसील ले चलिए। तो ये अपने आप में एक सशक्तिकरण की ओर एक बढ़ा हुआ कदम है। जनता द्वारा मौका देगी और कौन कौन सी योजनाएं जो आपके जहन में जो पूरी करती नजर आएंगी? जनता उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दे रही है और सरकार हम प्रचंड बहुमत के साथ बना रहे हैं। आप कौन सी योजनाएं, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो कौन सी काम करेंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, अगर दोबारा मौका मिलेगा तो जिस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ मैं, जिस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि पार्टी जिस एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है कि समाज के हर वर्ग को हमें आगे लेकर आना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जो सोच थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लेकर आगे लेकर आना है तभी ये समाज सशक्त होगा, इन महिलाओं को हमें आगे लेकर आने की आवश्यकता है तभी ये समाज सशक्त होगा। और मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, इतनी सारी योजनाएं हैं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी इनको मजबूती देने में। आखिर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मातृशक्ति हैं, मेरी माँ हैं, मेरी बहन हैं, मेरी बेटियों के रूप में भी यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ भी आई थीं, तो कहीं ना कहीं आज उनका आशीर्वाद है हम सब पर, तभी आज उत्तर प्रदेश में एक राम राज्य की शुरुआत हुई है, उस ओर अग्रसर है हम लोग, उसकी शुरुआत हुई है। ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री स्वाति सिंह का कहना है कि जिस तरह से सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है और मेरे द्वारा भी हमेशा ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे महिलाएं स्वाभिमानी बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं और उनको एक प्रकार से रोजगार के स्तर में भी उनको बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो अपने स्तर पर स्वावलंबी बन सकें, खुद दूसरों को जो है रोजगार दे सकें और एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। क्योंकि महिलाओं की भूमिका सशक्त भारत के निर्माण में बिल्कुल अग्रणी है और वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलती आई हैं और चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन वस्मी के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे महिलाओं के अंदर भी ये भावना मजबूत हो सके कि हम महिलाएं भी एकता की मिसाल है और हम भी कदम से कदम मिलाकर देश के लिए काम कर सकती हैं। और इन आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को सम्मिलित रूप से उत्साहित करना और उनको विकास की मुख्यधारा से शामिल किया जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।